गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड योर चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 82. मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द पोस्टल सर्विस. जो सबसे सस्ता, चीपेस्ट मीन्स सस्ता, और कॉमन यानी कि सामान्य, और सबसे सस्ता जो मतलब निकलता है पर्सनल कम्युनिकेशन का, वो है आपका पोस्टल सर्विस, यानी कि डाक के थ्रू हम कुछ भी मैसेज भेजते हैं, उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. द पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है हमारे इंडिया के पोस्टल कम्युनिकेशन का माना जाता है. सेकेंड है आपका पॉइंट, वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. हम ये सब एक पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. पोस्ट कार्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, एनवलप होते हैं, ठीक है, स्टैम्प्स होते हैं, ये सब हम कहाँ से खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस से. वी कैन ऑल्सो सेंड मनी टू समवन थ्रू अ मनी ऑर्डर. और हम पोस्ट ऑफिस में जाके अगर किसी को पैसे भेजने हो तो मनी ऑर्डर के थ्रू वो भी हम भेज सकते हैं. थर्ड है, नाउडेज सम प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. आजकल कुछ कंपनी जो हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट तो होती है, पोस्ट ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट है, बट कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी है जो लेटर्स को आपके डिलीवर करती है, आपके पार्सल को डिलीवर्स करती है इन बहुत कम समय में, बहुत जल्दी, ठीक है. दीज कंपनीज आर कॉल्ड कुरियर सर्विस कंपनीज़, और इनको हम कुरियर सर्विस कंपनीज़ कहते हैं. ओके, फोर्थ है आपका, टुडे वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर टेलीफोन. और आज हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसके थ्रू, टेलीफोन के थ्रू. फिफ्थ है आपका, मोबाइल फोन्स हैव ऑल्सो बिकम वेरी पॉपुलर, वी कैन कैरी देम विद अस. और मोबाइल फ़ोन तो आपको सबको पता ही है कि बहुत पॉपुलर हो गए हैं, जेब में डाला और हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं. सिक्स्थ है आपका, फैक्स और फैसिमिल इन इज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फैक्स भी आपने सुन रखा होगा ना, ये भी दूसरा कम्युनिकेशन का बहुत फेमस साधन है. अ मैसेज सेंड थ्रू फैक्स रीचेस इंस्टेंटली. फैक्स के थ्रू बहुत तभी के तभी जो है फैक्स मशीन के थ्रू मैसेज पहुँच जाता है जहाँ हमें पहुँचाना होता है. सेवन्थ है, ई मेल इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल यूज़. इट इज़ अ फास्ट, चीप एंड ईजी मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. ई मेल जो है वो भी बहुत सस्ता और बहुत तेज़ी से पहुँचने वाला कम्युनिकेशन है जो पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, जो बिजनेस में भी यूज करते हैं हम, पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं. ओके, ये जो मैंने अभी आपको सेवन पॉइंट्स बताए, जो सेवन बताए हैं ये आपके, ये सब आपके पर्सनल कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है. अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. सो नेक्स्ट आपका मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन मीन्स बहुत ज़्यादा हजारों लोगों के बीच अपने मैसेज को पहुंचाना एक साथ, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन विच इज़ आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों के पास एक साथ मैसेज पहुंच जाता है, किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, मैसेज वो मैगजीन्स जो होती हैं आपके, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जो है, ये सब बहुत सारे करोड़ों लोगों के पास एक ही बार में मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मास कम्युनिकेशन कहा जाता है. सेकंड पॉइंट है, द न्यूज़पेपर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट डेली इवेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड. दुनिया में जो भी कोई इवेंट होते हैं, कुछ भी घटना होती है, उसकी तुरंत हमें डेली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर के थ्रू. इन इंडिया न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन मैनी लैंग्वेजेस. बहुत लैंग्वेजेस में इंडिया में ये पब्लिश होता है न्यूज़पेपर. अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके थ्रू मिल जाती है, न्यूज़पेपर के थ्रू और मैगजीन के थ्रू. थर्ड है आपका, द ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसको कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड प्रोग्राम्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस.
ठीक है, रिलीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषाएं जो होती है, जैसे पंजाब है या तमिल में तमिल भाषा है, साउथ में जो भाषा यूज़ होती है, सब जगहों पर उनकी भाषा में वहाँ पे उसको बोलते हैं रिलीजनल लैंग्वेजेस, या इंग्लिश और हिंदी में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं रेडियो में, सुन सकते हैं ना लोग। इवन पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू रीड कैन बेनिफिट फ्रॉम इट एंड एंजॉय इट, और जो लोग पढ़ नहीं सकते वो भी रेडियो के थ्रू इसको सुन सकते हैं, मैसेजेस को, नॉलेज को, और इंजॉय करते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपका टेलीविज़न हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉच न्यूज़ प्रोग्राम्स ऑन करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, फिल्म, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन। टेलीविज़न जो है इससे पॉसिबल हो गया है कि हम देख सकें, रेडियो से तो सिर्फ सुन सकते थे ना, देख सकते हैं न्यूज़ को, प्रोग्राम्स को, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे भी कहीं कुछ भी होता है तुरंत हमें पता लग जाता है। स्पोर्ट्स है, कहीं स्पोर्ट्स हो रहे हैं हम लाइव देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, और भी बहुत सारी अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखते हैं। किस में देखते हैं हम? टेलीविज़न में। द टेलीविज़न हैज़ ग्रेट मास अपील एंड इम्पैक्ट, और इसका टेलीविज़न का बहुत बड़ा जो है प्रभाव भी पड़ता है। थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन वी आर एबल टू सी द लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट एंड शो एज एंड व्हेन दे हैपन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इससे हम टेलीविज़न के थ्रू जो हमारे सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट के थ्रू जो भी लाइव टेलीकास्ट इवेंट होते हैं या जो भी लाइव प्रोग्राम होते हैं, वो हम वर्ल्ड में चाहे वो कहीं पे भी हो रहे हो, टेलीविज़न के थ्रू हमें देखने को मिल जाते हैं। फिफ्थ है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस द रेडियो एंड टेलीविज़न एज अ मीन्स टू एजुकेट द फार्मर्स, वर्कर्स एंड पीपल एट लार्ज, स्पेशली दोज इन रूरल एरियाज, मतलब गाँव के जो एरियाज हैं जहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं पहुँच पाती, हर कटे हुए होते हैं शहरों से, वहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं होती, वहाँ पर भी रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को एजुकेट करती है, फार्मर जो होते हैं, किसान जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको एजुकेट कर सकती है। किसके थ्रू करती है हमारी गवर्नमेंट? रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने अभी आपको बताए, आपके जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है, इंटरनेट है, मैगजीन है, बुक्स हैं, ये सब आपके मास कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके बेटा, तो हमने आज आपके दोनों बता दिए, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, बाय।